हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल आदिल में। दोस्तों 10,000 रुपए से कम बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने का विचार कर रहे हैं, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में ढेरों मोबाइल होने की वजह से कंफ्यूजन तो आम बात है। इस प्राइस सेगमेंट में Realme, Redmi, Xiaomi, Samsung, Honor और Infinix जैसे ब्रांड के फोन आपको मिल जाएंगे। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी कस्टमर की डिमांड को समझते हुए बेहतर टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर रही है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाले फोन भी मिल जाएंगे। मार्केट में ढेरों मोबाइल हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में केवल 10,000 रुपए से कम प्राइस में 7 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों हमारी पहली लिस्ट में जो नंबर वन पर आता है Realme 3। यदि आप 10,000 रुपए से कम के बजट में एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो मॉडर्न डिजाइन के साथ साथ कई फीचर से लैस हो, तो Realme 3 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। Realme 3 हर लिहाज से Realme 2 का मौजूद अपग्रेड वर्जन है। इसका डिजाइन तो मॉडर्न है, लेकिन साथ साथ इसके रियल कैमरे में कुछ नए फीचर्स भी मिले हैं। Realme 3 में डिस्प्ले ब्राइट और विविड है। बैटरी ने भले ही टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके आम इस्तेमाल करने में ये भरोसेमंद स्मार्टफोन है। सबसे अहम जो अपग्रेड है वो है इसका प्रोसेसर। कैमरा बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन अब भी सुधार की गुंजाइश लगती है। हमारे हिसाब से कंपनी को अपने इस लेटेस्ट फोन में मेटल या ग्लास इनक्लोजर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और ज्यादा रेजुलेशन वाले डिस्प्ले का इस्तेमाल करना चाहिए था। Realme 3 को हाल ही में लॉन्च किया गया। Realme 3 के भारत में दो वेरिएंट उतारे गए हैं। Realme 3 के 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,990 रुपए है। आपके 10,000 रुपए के बजट में ये वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो इस फोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है। गौर करने वाली बात यह है कि Realme 3 के पावरफुल वेरिएंट की कीमत कंपनी ने अपने Realme U1 हैंडसेट के आसपास रखी है। नंबर दो, Redmi Note 7। Redmi Note 7 का लुक ही नहीं बल्कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। फोन में अच्छा डिस्प्ले कैमरा मौजूद है, एप्स परफॉर्मेंस में अच्छी बैटरी लाइफ है। अगर आप एक साथ दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि इसमें कंपनी ने हाइब्रिड डुअल सिम स्लॉट दिया है। Redmi Note 7 की 4GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए है। Redmi Note 7 में 4000mAh की बैटरी दी गई है और इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है। भारत में Redmi Note 7 के दो वेरिएंट उतारे गए हैं, एक 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत 9,999 रुपए है। आपके बजट में 3GB रैम वेरिएंट ही आएगा, लेकिन अगर आप अपने बजट से थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो इसके 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए है। Redmi Note 7 के तीन कलर वेरिएंट हैं, ऑनिक्स ब्लैक, सफायर ब्लू और रूबी रेड। नंबर तीन, Samsung Galaxy M10। अगर आप भी किफ़ायती स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो Samsung ब्रांड का Galaxy M10 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि Samsung Galaxy M10 कई खूबियों से लैस है, जैसे कि इसमें आपको भरोसेमंद बैटरी तो मिलती है, लेकिन साथ ही इसका डिज़ाइन भी काफ़ी मॉडर्न है। ध्यान देने वाली बात यह है कि Samsung Galaxy M10 परफॉर्मेंस से बहुत दूर है। फ़ोन की बैटरी लाइफ तो बेहतरीन है, लेकिन इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं, और वो ये है कि फ़ोन में पुराना प्रोसेसर तो है, लेकिन साथ ही इसमें HD+ रेजुलेशन स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ है। Galaxy M10 के कैमरे कुछ खास अच्छे नहीं हैं और फ़ोन के परफॉर्मेंस में भी कमजोरी है। भारत में Samsung Galaxy M10 के दो वेरिएंट उतारे गए हैं, 2GB रैम प्लस 16GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,990 रुपए है, 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज की कीमत 8,990 रुपए है। नंबर चार, Asus ZenFone Max M2। Asus ZenFone Max M2 Asus ZenFone M1 का अपग्रेड वर्जन है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है और ये प्रोसेसर बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ZenFone Max M2 का डिज़ाइन एवं इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। स्टॉक एंड्रॉयड होने के कारण फ़ोन भी स्मूथ चलता है। Asus ब्रांड के इस फ़ोन की बैटरी लाइफ भी अच्छी है, लेकिन कम रोशनी में फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस हमें कुछ खास पसंद नहीं आई। Asus ने भारत में ZenFone Max M2 के दो वेरिएंट उतारे हैं, एक 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज वेरिएंट जो फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं इसके 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। नंबर पाँच, Infinix Note 5। Infinix ब्रांड का ये पहला स्मार्टफोन था जिसे Android 1 के साथ उतारा गया था। Android 1 स्मार्टफोन होने की वजह से फ़ोन को समय समय पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं।
इन्फिनिक्स नोट 5 की अहम खासियत की बात करें तो इसमें फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर, उनके बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और 4500 mAh की बैटरी की दी गई है, और सेल्फी के लिए इसमें 16 MP का कैमरा दिया गया है। एंड्रॉयड 1 का हिस्सा होने की वजह से फ़ोन 2 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहने की भी गारंटी है। भारत में इन्फिनिक्स नोट 5 के 2 वेरियंट उतारे गए हैं। 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 8,999 रुपये है। आपके बजट में इसका 3 GB रैम वेरियंट ही आएगा। इसके 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 10,999 रुपये है। इसे 3 कलर में उतारा गया है, आइस ब्लू, मिलन ब्लैक और ग्रे रंग में। इसे आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। नंबर 6, Xiaomi Redmi Y2। Xiaomi Redmi Y2 में सेल्फी के लिए 16 MP का AI फ्रंट कैमरा है। फोन के बैक में डुअल रियल कैमरा सेटअप है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। Redmi Y2 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ग्राफिक्स के लिए एड्रिनो 506 GPU का इस्तेमाल हुआ है। फोन में फेस अनलॉक सपोर्ट तो है, लेकिन आपको बता दें कि ये धीमी गति से काम करता है। कम रोशनी में कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक ही है। भारत में Redmi Y2 के 2 वेरियंट उतारे गए थे, 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज जिसकी कीमत 7,999 रुपये है, और 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 9,999 रुपये है। इस फोन को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर खरीद सकते हैं। नंबर 7, Lenovo K9। Lenovo K9 की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ तो अच्छी है, लेकिन इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। फ़ोन में दिए गए डुअल फ्रंट और डुअल रियल कैमरे की क्वालिटी उम्मीद से भी कम है। केवल इतना ही नहीं, फ़ोन में दी गई हाइब्रिड सिम ट्रे भी आपको निराश कर सकती है। भारतीय बाजार में Lenovo K9 एक ही वेरिएंट में उतारा गया है, 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज। इसके 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। ये 2 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, ब्लू और ब्लैक। Lenovo K9 को आप ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, आपको निर्णय लेना है कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।